हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ इंटीग्रेटेड सर्किट के मैन्युफैक्चरिंग स्टेप्स। इसके पहले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था इंटीग्रेटेड सर्किट के जो मैन्युफैक्चरिंग स्टेप्स हैं वो मैंने थ्योरेटिकली बताया था कि उसमें कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जो स्टेप्स हैं वो फिजिकली कैसे वहाँ पर दिखाई देते हैं, कैसे परफॉर्म होते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले हमने बताया था कि उसमें सिलिका लिया जाता है, सिलिका सैंड से हम क्रिस्टल बनाते हैं, प्योर क्रिस्टल। तो ये हमारा सिलिका सैंड है जो धरती पे पृथ्वी पे पाया जाता है, तो उसको कलेक्ट करके एक जो प्लांट होता है उसमें डाल दिया जाता है, जहाँ पर इसमें से प्योर सिलिकन निकाल लिया जाता है। मेकिंग ऑफ इंगॉट फ्रॉम सैंड। इसमें देखिए, ये जो है ये सिलिका डाली गई है, ठीक है, ये सिलिका डाली गई है, फिर ये मेल्ट कर दिया जाता है, फिर इसमें एक सीड होता है, ये इसमें डिप कराया जाता है, फिर वो इसको धीरे 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 ऊपर खींचा जाता है। तो ऊपर खींचने से क्या होता है, जो यहाँ पर सिलिका होती है वो इसमें चिपक जाती है और एक गोल गोल रॉड की तरह बनने लगती है। तो ये इसमें देखिए ऊपर खींचा जा रहा है, तो यहाँ पर जितनी भी सिलिका है वो नीचे चिपक बनती रॉड की तरह बनती चली जाएगी। एक समय आएगा केवल इसमें रॉड बचेगी और सारी सिलिका इसमें चिपक के बाहर आ जाएगी। तो ये हमारा है इनगॉट। तो इस तरह से ये दिखाई देता है, ये ऊपर रहता है जो हमारा सीड यहाँ रहता है, और फिर ये नीचे ये धीरे धीरे ऊपर ऐसे खींच लिया जाता है। इसके ये अंदर का जो सिलिकन स्ट्रक्चर है, देखिए एकदम क्लियर है कि इसमें ये हमारे सिलिकन एटम्स हैं, चार चार की वैलेंसी वाले हैं, जुड़े हुए हैं आपस में एक प्योर फॉर्म में, जिसमें कोई भी इम्प्योरिटी नहीं है, केवल सिलिकन एटम्स हैं। नाउ स्लाइसिंग ऑफ इनगॉट। अब जो इनगॉट होता है उसको स्लाइस किया जाता है, तो ये इनगॉट है, इसको स्लाइस करके पतले पतले वेफर्स निकाल लिए जाते हैं। क्लीनिंग एंड पॉलिशिंग ऑफ वेफर्स। ये जो स्लाइसेस हैं इनके ऊपर ये डस्ट पार्टिकल्स या जो सिलिकन के जो जैसे जो बुरादा टाइप का निकलता है, तो इन सब को क्लीन किया जाता है, पॉलिश किया जाता है, ठीक है। ये एक मशीन है जिसमें ये वेफर्स रखे हुए हैं, फिर ये इसको ऐसे ऊपर से बंद करके ये मशीन अंदर रोटेट करती है। एपिटेक्सियल ग्रोथ। वेफर के ऊपर पहले उसको पी टाइप सब्सट्रेट बनाया जाता है, जिसमें केवल पी मटेरियल होता है, पी टाइप के कैरियर्स होते हैं, फिर उसी के ऊपर एक और मटेरियल तैयार किया जाता है जो सेम सिंगल क्रिस्टल का होता है, या तो वो एन टाइप का होगा या तो पी टाइप का होगा, तो इसको हम बोलते हैं एपिटेक्सियल ग्रोथ। मास्किंग एंड फोटोलिथोग्राफी। इसमें पहले वेफर के ऊपर एक फोटो रेजिस्ट डाला जाता है, और फिर उसको ऐसे डिस्क को घुमाया जाता है, जिससे वो पूरे सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, तो इसको बोलते हैं फोटो रेजिस्ट। फिर इसमें आप देख सकते हैं ये वेफर है, ये फोटो रेजिस्ट है पूरा, ये हमारा है मास्क ब्लू कलर में जो है, और ऊपर से यूवी लाइट का एक्सपोजर दिया जाता है, तो यहाँ से जो यूवी लाइट यहाँ पड़ रही है वो इसको ऐसा बना देगी कि ये चीज़ जो फोटो रेजिस्ट है ये केमिकल में डिसॉल्व हो जाता है, और ये यहाँ पर यूवी लाइट नहीं पड़ रही है तो ये डिसॉल्व नहीं होगा। तो फिर हमारे पास कैसा, फिर इसके बाद इसकी इचिंग की जाती है। तो ये अब देखिए, जब ये येलो पोर्शन जो है ये हमारा है जो यूवी लाइट के एक्सपोजर में आया था, और रेड पोर्शन यूवी लाइट के एक्सपोजर में नहीं आया है। नेक्स्ट प्रोसेस है ईचिंग प्रोसेस। अब इसमें देखिए ईचिंग में क्या होता है, इसको एक केमिकल में डाला गया जिससे येलो वाला पोर्शन पूरा हट गया यहाँ से, तो हमारे पास ये पूरा पैटर्न बन के आ गया यहाँ पर। इस तरह का पैटर्न अगर हमें आईसी पे चाहिए तो ऐसे हम बना सकते हैं। फिर आता है डिफ्यूजन और आयन इम्प्लांटेशन। ये प्रोसेस दोनों है हमारे एन टाइप या पी टाइप के वेल बनाने के लिए, जिसमें पी मेजोरिटी या एन मेजोरिटी कैरियर्स होते हैं। जैसे अब ये देखिए यहाँ पर ये हमारे ये जो है ये एच्ड पोर्शन है, जहाँ पर यूवी लाइट थी,
अब ऊपर से ये जो येलो लाइट की लाइट दिख रही है, ये है हमारे पी टाइप या एन टाइप के जो कैरियर्स हैं वो इनके ऊपर डिफ्यूज़ कराया जा रहे हैं। डिफ्यूज़ करने से क्या होगा, ये जो सिलिकॉन एटम्स थे ये हमारे हैं डोपेंट, तो इन्होंने सिलिकॉन को रिप्लेस करके ये या तो फॉस्फोरस हो सकता है या फिर बोरॉन हो सकता है। यहाँ पर इसने सिलिकॉन को रिप्लेस करके वो खुद यहाँ पर बैठ गया है, तो ये हमारे क्या हैं, डोपेंट एटम्स हैं। ये हो गई डोपिंग इसकी, ठीक है। इसमें देखिए ये दोनों तरीके के दिखाए गए हैं डोपिंग। ये है डिफ्यूजन, जिसमें जब ये डोपिंग कराई जाती है तो ये यूनिफॉर्म नहीं होता है, ये इसका एरिया ज़्यादा हो जाता है। लेकिन आयन इम्प्लांटेशन में जितना आपका गैप होता है सिर्फ उतना ही कैरियर सबस्ट्रेट के अंदर जाता है। ये ओरिजिनल पिक है जिसमें आप देख सकते हैं ये सबस्ट्रेट है, यहाँ से ये दिखाया गया, ये वेल है, इसमें हमारा ये पी टाइप या एन टाइप का वेल है, ठीक है। फिर आता है मेटलाइजेशन प्रोसेस। मेटलाइजेशन में ये देखिए, ये हमारे जो ये दिखाया गया है सिलिकॉन से एक कनेक्टिंग वायर दिया गया है, ठीक है, और ये हमारी पिंस हैं, ठीक है, ये हमारे कोर हैं, ठीक है, ये एक पैड है जिस पे ये रखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं ये कनेक्शन दिया जा रहा है, ये एल्युमिनियम का कनेक्शन होता है क्योंकि ये प्योर कंडक्टर होते हैं, और फिर पिन से बाहर ले आया जाता है इन कनेक्शंस को। फिर आता है असेंबली एंड पैकेजिंग। इसमें जैसा मैंने अभी दिखाया था, ये हमारे हैं कनेक्टर्स, ठीक है, और ये हमारे पिंस हैं जो बाहर की तरफ दिखाई देते हैं। ये ऊपर एक ब्लैक कलर का केस होता है, इस केस के बाहर ये पिंस ऐसे बाहर आ जाती हैं जो हम को देखने को मिलती है आईसी के अंदर। तो ये थे आईसी फैब्रिकेशन स्टेप इमेजेस के साथ में, जिससे आपको समझने में आसानी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, और अपने वैल्यूएबल फीडबैक हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें।